वेलकम फ्रेंड्स। कल मैंने आपको लेक्चर दिया था सेल वॉल पर, आज हम लेक्चर देंगे सेल मेम्ब्रेन पर। तो सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की खोज करी, सेल की खोज करी, उसमें सेल वॉल आया। लेकिन बहुत देर दिन तक तो सेल का ही नहीं मालूम चला, 1805 तक कि सेल इंडिविजुअल है कि नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब जानकारी हुई तो 1855 में सी नगेली एंड क्रैमर ने इसे, इस स्ट्रक्चर को जो सेल वॉल के अंदर पाई जा रही है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा। और उसके बाद 1930 में जे क्यू प्लॉवर ने प्लाज्मा लेमा कहा। तो प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन और भी बहुत सारे टर्म्स इसके लिए यूज किए गए, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को हटा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द अब आजकल चलन में है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो कहीं वॉल के बारे में तो बात नहीं कर रहे। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सेल की आउटर कवरिंग। तो वो प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो वो वॉल से कंफ्यूज होती, तो इसलिए जो अब टर्म यूज होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग ऑर्गेनेल है एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये तीनों कंपोजिशन मिलते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। तो इन प्रोटीन्स का ही मेजर काम होता है, यानी जो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली प्रोटीन की वजह से है। क्योंकि सेल सॉर्टिंग वगैरह या सिग्नल का रिसेप्शन या किसी एक्सटर्नल कंपाउंड को रिसीव करना, तो वो सारा काम जो है वो प्रोटीन की वजह से होता है। तो अभी जो आज का लेक्चर है ये हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और इसका जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट में लेंगे। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फंक्शन है इसका, सिग्नल रिसेप्शन भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि जो जितने भी सिग्नल आते हैं, स्टिमुलस आते हैं, उन्हें रिसीव करना और उसके बाद इंफॉर्मेशन को बाहर से अंदर की तरफ ले आना। इसी प्रकार जो आयन चैनल्स वगैरह हैं, पंप्स वगैरह हैं, यानी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, वो सारे इसके फंक्शन हैं। इवन इसके फंक्शन में वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी आता है कि वेसिकल्स के रूप में जो है डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर भर करके सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ले जाना, तो वो एक अपने आप में एक और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर्स पे ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये
नेगेली और क्लावर ने कहने के बाद इन लोगों ने जो भी काम किए इनके पास कोई डिटेल स्टडी नहीं थी, माइक्रोस्कोपिक जो भी था इनके पास केवल जो है लाइट माइक्रोस्कोप था, प्लस इनके पास जो जो जानकारी थी वो थी बायो फिजिकल एनालिसिस एंड फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन और इनडायरेक्ट स्टडी के आधार पर ये स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश हुई, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो आ गया था लेकिन बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं आया था। तो इसमें एक मेजर चेंज आया बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ इन 1940s। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया तब इसके स्ट्रक्चर को जानने में सहायता मिली। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कहाँ से, हमें इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा एनालिसिस के लिए, बायोकेमिकल हो चाहे बायोफिजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो। तो हम बहुत सारी चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे लीवर है, मसल है या सी अर्चिन के एग्स है, इनसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। क्यों रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं कि दे आर अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट है यानी लार्ज अमाउंट है प्योर है। दूसरे क्या है, दे डोंट कंटेन मच मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल अगर नहीं है तो कंटेमिनेशन कम है। क्यों कंटेमिनेशन लोएस्ट है, क्योंकि अगर किसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स ओनली ए 5% ऑफ द ऑल मेम्ब्रेनल सिस्टम फाउंड इन ए सेल। तो उसमें चूंकि बहुत सारे मेम्ब्रेनल सिस्टम नहीं है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनेल नहीं है, तो उनके मेम्ब्रेन इसमें नहीं आएंगे। और इसकी वजह से जो भी मेम्ब्रेनल पार्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम ये मान लेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है। फिर तीसरा पॉइंट जो आरबीसीज को लेकर है वो ये है कि इनकी हीमोलिसिस की जा सकती है। हीमोलिसिस की जा सकती है जिससे घोस्ट पैदा होते हैं, होस्ट सेल यानी इस फट जाती है। अगर कोई एक इस प्रकार से एक आरबीसी है, अगर इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो ये एंडोस्मोसिस से एक्सेस एंडोस्मोसिस से फूल जाएगी और फट जाएगी। तो फटने के बाद इसके मेम्ब्रेन्स इस तरीके से मिलते हैं जिन्हें हम घोस्ट बोलते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन फिर से सील भी हो जाते हैं। तो सील के क्या होता है, री सील्ड घोस्ट। और कभी कभी क्या होता है, ये पलट के यानी इनसाइड आउट भी ये फिर से सील्ड हो जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं इनसाइड आउट रीसील्ड होस्ट। तो हमें इतने सारे मिलते हैं, तो यहां क्या है, रीसील्ड होस्ट
बूस्ट मिलने से क्या होगा कि हम यहाँ का जो आउटर पोर्शन है मेम्ब्रेन का उसकी स्टडी कर सकते हैं बायोकेमिकल बायोफिजिकल। इनसाइड आउट वाला जो अगर कोई घोस्ट है तो जो बाहर बाहर तो तब भी करेंगे क्योंकि अंदर नहीं जाएगा वो, तो बाहर जब हम करेंगे तो हमें अंदर वाले पोर्शन का पता लग जाएगा। अच्छा, घोस्ट की जरूरत कब पड़ती है, इसलिए कि जो परमिएबिलिटी है वो रीसील्ड और इनसाइड आउट सील्ड घोस्ट में ही स्टडी की जा सकती है। अगर वो इस तरीके से फट गया है तो हम परमिएबिलिटी नहीं चेक कर सकते हैं, बाकी उसका बायोकेमिकल टेस्ट हम कर सकते हैं कि क्या क्या उसका कंपोजिशन है। तो इसीलिए रेड ब्लड कार्पसल्स को ज्यादा यूज किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि बहुत सारी थ्योरी, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसका हम ले लें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लें तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ओवरटन ने 1895 या कहीं कहीं 1902 भी लिखा है। डेट अलग अलग मिल सकती है, इंटरनेट पर भी अलग मिल जाएगी, किताबों में अलग मिल जाएगी। बहरहाल सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि ये बायोकेमिकल टेस्ट कर रहे थे, आरबीसीज का ही कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वो इजीली मेम्ब्रेन में परमिएबल हो रहे हैं, परमिएबल टू मेम्ब्रेन। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड इजीली परमिएबल, दे कैन पास थ्रू दी ट्रांस मेम्ब्रेन, इसलिए हो सकता है कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हो। तो उस समय ये पता चला कि मे बी इट इज फॉर्म बाई दी लिपिड्स। फिर गॉटर एंड ग्रेंडल ने ये देखा कि अब चूंकि बेस मिल गया था कि लिपिड की बनी है, तो ये टेस्ट कर रहे थे कि अगर लिपिड की बनी है तो कितना लिपिड होना चाहिए। तो इन्होंने जब एक्सट्रैक्ट किया तो उन्होंने देखा कि द लिपिड अमाउंट वॉज डबल दी अमाउंट एज एक्सपेक्टेड। लिपिड जो मिल रहा था वो डबल अमाउंट का मिल रहा था, किस आशा के खिलाफ कि अगर कोई चीज लिपिड की सिंगल लेयर से इनसर्किल हो उसमें जितना लिपिड खर्च होना चाहिए उससे डबल अमाउंट का लिपिड इन्हें एक्सट्रैक्ट हो रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है वो शायद लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है। तो 1926 में ये पता चल गया कि लिपिड की तो बनी है लेकिन वो लिपिड बाई लेयर हो सकता है। उसके बाद जब डेवसन एंड डेनियलाई डेवसन एंड डेनियलाई ने फर्दर रिसर्च करी तो दे फाउंड दैट दी सरफेस टेंशन ऑफ बाई लेयर
इन्हें वॉटर इंटरफेस एक्सपेरिमेंट, यानी पहले एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे कि वो लिपिड को वाटर में डाल देते थे तो लिपिड अपने आप गोल हो जाती थी, और अगर वो किसी चीज को इंगल्फ करती थी तो उसके चारों तरफ एक हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन बना लेती थी। तो वहां उन्होंने देखा कि जो सरफेस टेंशन है वो काफी कम है, यानी प्योर लिपिड बाई लेयर का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा है, जबकि जो एक्सपेरिमेंट में सरफेस टेंशन आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, लोअर सरफेस टेंशन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्योर लिपिड लेयर। तो उन्होंने ये कहा, देखा अपने इस एक्सपेरिमेंट में कि इफ वी ऐड प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन को ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन भी लोअर हो जाता है। ऐसा उन्होंने अपने जो पानी और माइसिलीज का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें डाल के देखा कि हम प्रोटीन डाल देते हैं तो इनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि जो लेयर हो लिपिड की उस लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन लगे हों, और प्रोटीन कैसे लगे हों, एक सैंडविच की तरीके से प्रोटीन लगे हों दोनों तरफ, और ये जो बीच का हिस्सा है ये लिपिड की दो लेयर है। तो ये जो था ये भी एक प्रोटीन है, दोनों तरफ प्रोटीन लेयर है और बीच में लिपिड है। तो ये डेवसन एंड डेनियलाई ने इस चीज को बताया। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो इनके काम को ही और बढ़ाने के लिए रॉबर्टसन आए, जिन्होंने अपनी यूनिट मेम्ब्रेन की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो लेयर बाई लेयर है ये तीन लेयर की बनी हुई है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। उसमें बाहर की तरफ 1.5 nm कि दो लेयर हैं और अंदर की तरफ 3.5 nm की एक लेयर। तो दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस। तो उन्होंने इस बात को केवल बताया कि हाँ ये बात सही है कि जो बीच की लेयर है जो लिपिड की दो लेयर से बनी हुई है उसके दोनों तरफ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, और कैसे लगे हुए हैं, स्मीयर के रूप में, यानी प्रोटीन का कोई जो वो है मटेरियल है वो उसके ऊपर फैला दिया गया हो प्रोटीन, और ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से तीन लेयर का दिखाई पड़ रहा है, जिसमें एक लेयर है, ये दो लेयर है और ये तीसरी लेयर। तो रॉबर्टसन ने भी वही बात कही जो डेवसन एंड डेनियलाई ने कही थी, लेकिन इसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था तो इसकी मोटाई वगैरह भी उन्होंने बताई कि हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और हुए, और उन एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी
उन एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी के आधार पर ही नेक्स्ट जो इसमें का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो आया। तो पहले हम उस एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लें। तो वो जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे वो क्या थे? नंबर वन था फ्रीज फ्रीज फ्रैक्चरिंग, यानी अगर हम किसी किसी मेम्ब्रेन को बहुत ठंडा करके और उसे किसी तेज धार वाले चाकू से काट दें, फ्रीज करें फिर वो फ्रैक्चर कर दें, तो होगा क्या कि कुछ पोर्शन उसका ऐसा होगा कि जिसमें अंदर वो लेयर एसिमेट्रिकली टूट जाएगी। तो एसिमेट्रिकली टूट जाएगी तो वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकती है कि हमें कुछ पोर्शन ये वाले दिख जाएं, कुछ पोर्शन ये वाले दिख जाएं। तो फ्रीज फ्रैक्चरिंग जब होगी तो हमें ये पोर्शन भी दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन भी दिखाई दे रहा है और अंदर वाला पोर्शन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसे भी होगा जो इस तरीके से हो। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो पोर्शन है, जो अंदर वाला पोर्शन है, जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है, उस पे बहुत सारे बम्स हैं, यानी उभार हैं और डिप्रेशंस हैं, जो कि रैंडमली दिखाई दे रहे हैं। उभार भी दिखाई दे रहा है और डिप्रेशंस भी दिखाई दे रहे हैं जो कि रैंडम है। तो इससे ये पता लगा कि जो भी बेस है इसका, उस पर अगर कोई चीज लगी है तो वो रैंडमली लगी है, रैंडमली अटैच्ड। तो एक ये पॉइंट निकल के आया। फिर दूसरे में दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फ्राई एंड एडिडिन ने। तो फ्राई एडिडिन ने क्या किया कि दो सेल को मिला करके एक हेट्रोकैरियन बनाया। तो यहां अगर हम इसको दूसरे तरीके से दिखाएं, मान लीजिए एक सेल ब्लैक से बना दूं और एक सेल रेड से बना दूं। तो उन्होंने कहा कि एक सेल हम ह्यूमन की ले रहे हैं, एक सेल हम माउस की ले रहे हैं। इससे जो सेल बना हेट्रोकैरियन, तो वो इस तरीके का बनना चाहिए, एक आधी इसकी सेल आ जाएगी, आधी इसकी सेल आ जाएगी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो हमारा प्रोटीन था वो 30 मिनट के इंक्यूबेशन के बाद, 30 मिनट के इंक्यूबेशन के बाद वो सब जगह फैल गया, यानी इंटरमिक्स्ड हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि देर इज ए लेटरल डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो लेटरल मूवमेंट है इसमें, ये इसलिए पता चला कि जो दोनों की प्रोटीन्स थी, जिस जो अपने ही मेम्ब्रेन पर रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी, वो चारों तरफ फैल गई 30 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद। तो ये तभी हो सकता है जब मेम्ब्रेन में लेटरल मूवमेंट पॉसिबल हो। फिर इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए, यानी तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, वो था
पैचिंग एंड कैपिंग, पैचिंग एंड कैपिंग इसका जो बेस था, जो बेसिक जो इसके पीछे बेसिक आइडिया था वो ये था कि अगर कोई एंटीबॉडी है और उसमें एक से ज्यादा जगहों पर अटैचमेंट साइट्स हैं, यानी एक एंटीबॉडी आप जानते हैं वाई शेप होती है, उसमें एक से ज्यादा जगहों पर अटैचमेंट साइट है, तो जो उससे चिपकने वाली जो उसके एंटीजन है प्रोटीन, वो एग्रीगेट हो जाएंगे। यानी मान लीजिए वो प्रोटीन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कितनी जगह है, सब जगह है। तो अगर हम उस सेल को, उस यानी उस स्पेसिफिक एंटीजन को स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ट्रीट करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि वो जो एंटीजन है जो पूरे सेल सरफेस पे था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये क्या हुआ कि पैचिंग एंड कैपिंग है, कि इसका मतलब है कि दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन कैन डिफ्यूज लैटरली, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, FRAP। यहां भी बेसिक आइडिया ये है कि अगर हम किसी रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी को किसी भी सेल से ट्रीट कराएं तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो हैं वो सारी जगहों पर अटैच हो जाएंगी और फैल जाएंगी। क्योंकि एंटीबॉडी में जो हम रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव है, तो वो सब इस पर चारों तरफ फैल गई। अब अगर हम एक लेजर बीम देते हैं लेजर की बीम देते हैं तो इतना हिस्सा जो कि कलर्ड रिएजेंट, जो हमारा रेडियो एक्टिव रिएजेंट है, यानी जो एंटीबॉडी जिन्हें हमने कलर्ड बना दिया है, इतनी जगहों पर वो कलरलेस हो जाएगा। तो जब लेजर बीम से कलरलेस हो जाएगा तो फ्लोरिसेंस रिकवरी, तो फोटो क्या हो गया, ब्लीच हो गया। तो ब्लीचिंग के बाद हम फिर से अगर इसे ब्लीचिंग के बाद भी ऑब्जर्व करते रहे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी देर में जो ब्लीचिंग हुई थी वो फिर से नॉर्मल हो गई। यानी इट शोज द स्पीड विद विच द लेटरल मूवमेंट आकर, इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि कितनी देर में वो लेटरल मूवमेंट हुआ है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट थे राइट फ्रॉम दी 1, 2, 3, ये 4 भी है, वो ये क्या शो कर रहा है कि लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन इज पॉसिबल। तो ये जो 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट हुए इन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी दी, और इसी जानकारी को लेकर के सिंगर, SJ सिंगर एंड निकोलसन,
सिंगर और निकोलसन ने 1972 में अपना एक मॉडल दिया और उसमें ये कहा, नंबर वन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर रैंडमली अरेंज्ड। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर रैंडमली अरेंज्ड, नंबर वन पॉइंट। एंड नंबर टू, दैट देर इज ए कैपेसिटी इन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू डिफ्यूज लेटरली, टू डिफ्यूज लेटरली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो फ्लूइड इन नेचर है, क्योंकि उसमें लेटरल मूवमेंट संभव है। तो वो कैसा है, फ्लूइड है, और उसमें जो अरेंज्ड जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो किस में अरेंज्ड हैं, रैंडम फैशन में, जिसे हम मोजैक बोलते हैं। तो ये मॉडल क्या हो गया, फ्लूइड मोजैक मॉडल, यानी देर इज ए फ्लूइडिटी बिकॉज ऑफ दी नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन लिपिड्स एंड बिटवीन लिपिड्स, यानी बिटवीन नॉट अमंग लिपिड मॉलिक्यूल कर दीजिए, बिटवीन तो दो होगा, अमंग लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से उनका लेटरल मूवमेंट बहुत आसान है, और प्रोटीन्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड बट दे आर अरेंज्ड इन ए मोजैक फैशन। तो फ्लूइड मोजैक मॉडल निकल के आया, जो आज के डेट में मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, और ये इस बात को कहता है कि जो तो सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि एक फ्लूइड मोजेक मॉडल है जिसमें कि लिपिड्स भी मूवमेंट करते हैं। लेकिन अभी हमने आपको ये बताया कि जितने चार एक्सपेरिमेंट थे उसमें प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट का हमें मिला था एविडेंस, तो लिपिड के लेटरल मूवमेंट का एविडेंस भी मिला था। वो मैंने नहीं पहले बताया आपको, वो देखिए कि 1970s में ये देखा गया कि हो सकता है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स भी इधर उधर चलते हो, ऐसे कैसे पता लगेगा। तो हम ये जानते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड होता है और एक टेल होती है। ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है और ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है। इस हेड की अगर हम एक ग्रुप ऐसा लगा दें, इसमें एक ग्रुप ऐसा लगा दें जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इस प्रकार अगर कोई ग्रुप लगता है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, इस टेक्निक को स्पिन लेबलिंग। तो अगर हम पोलर हेड्स, चूंकि हाइड्रोफिलिक है इसलिए हम पोलर हेड्स बोलते हैं, पोलर हेड्स की स्पिन लेबलिंग कर दें बाय मींस ऑफ एडिंग नाइट्रोक्सिल ग्रुप, नाइट्रोक्सिल ग्रुप की, इसे हम बोलेंगे नाइट्रोक्सिल,
तो नाइट्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम पोलर हेड्स पर ऐड कर दें तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक पैरा मैग्नेटिक वेव छोड़ता है। तो पैरा मैग्नेटिक वेव जब छोड़ेगा तो हम इसे कैसे पढ़ लेंगे? इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ई एस आर स्पेक्ट्रम से वी कैन डेफिनेटली विजुलाइज और गेट एविडेंस दैट लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिफ्यूज इन अ हॉरिजेंटल फैशन। अब क्या है कि अभी मैंने आपको चूंकि इसका डिटेल नहीं बताया, लेकिन फिर भी अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि ये एक लिपिड बाई लेयर है जिसमें एक लिपिड लगी हुई है, फिर नीचे वाली लेयर में भी इस तरीके से एक लिपिड है। तो ये क्या होगा कि जो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ कहिए, जो एक लेयर है वो इस प्रकार से है। तो लेटरल मूवमेंट तो बहुत आसान है, ये ESR स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि ये 10^7 टाइम्स पर सेकेंड अपनी जगह छोड़ सकते हैं, 10^7 यानी 1 करोड़ बार 1 सेकेंड में ये अपनी जगह छोड़ सकते हैं। और जो ये मूवमेंट है यानी एक कोई लिपिड मॉलिक्यूल दूसरी तरफ चला जाए, जिसे हम कैसा मूवमेंट बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट हम देखें तो ये मुश्किल से महीने में एक बार होता है, और वो भी किसकी सहायता से होते हैं, कुछ ट्रांसलोकेटर्स होते हैं जो अभी पता चले हैं, पहले नहीं मालूम, उन ट्रांसलोकेटर्स की सहायता से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। तो ये जो स्पीड है वो ये बता रही है कि हम बहुत तेजी से 10^7 टाइम्स इन ए सेकेंड, लेकिन अगर दूरी नाप लें तो क्या होगा, 10^-8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतनी दूरी ये तय कर सकता है। तो अगर एक किसी किसी बैक्टीरियम को देखा जाए जिसमें कि उसका जो सरफेस है वो 1 माइक्रोमीटर हो, सरफेस 1 माइक्रोमीटर हो, तो इस गति से 1 सेकेंड में उस पूरे बैक्टीरियम का एक चक्कर एक लिपिड मॉलिक्यूल लगा लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक आई, उससे ये पता लगा कि नॉट ओनली प्रोटीन्स आर एबल टू डिफ्यूज लेटरली, बट ऑल्सो लिपिड मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ डिफ्यूज लेटरली, दे डू दिस बिकॉज ऑफ द नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। इससे ये भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें डिटर्जेंट डाल दें, यानी किसी मेम्ब्रेन को डिटर्जेंट से ट्रीट करें, तो जो भी उस पर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स और जो जो कार्बोहाइड्रेट के यानी पॉलीसेक्राइड्स के मोटीज लगे हुए हैं वो सब अगल बगल हो जाते हैं। नहीं, कहीं पर है, अगर आपने वहां पर एक डिटर्जेंट डाला तो वो तुरंत ही वहां से अलग हो जाएगा। जैसे आप पानी में अगर तेल है उसमें इम्प्योरिटीज है, अगर उसमें तेल डाल दीजिए या साबुन डाल दीजिए तो वो अगल बगल हो जाता है। तो दिस कैन यू कैन सी बाई ट्रीटिंग दिस डिटर्जेंट।
तो इनसे ही सिंगर और निकोलसन को ये पता चला कि फ्लुइडिटी है, लेकिन वो फ्लुइडिटी क्या है, सेमी है, सेमी फ्लुइड है। क्यों फ्लुइड है सेमी फ्लुइड? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट उतना आसान नहीं है। इट अकर्स रेयरली, इट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेटर्स। ट्रांसलोकेटर्स होते हैं जिनके कारण ही वो अपने एक लेयर छोड़कर के दूसरे लेयर में आता है। और रोटेशनल मूवमेंट और मूवमेंट तो होता ही रहता है, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल निकल के आया है, जो आज की समय में उसी का हम स्टडी करते हैं, उसी को हम मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज भी, और स्टडी जब हुई तो उसमें थोड़ा सा चेंज ये आया कि जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो प्रोटीन को कह रहा है कि इट कैन डिफ्यूज टू एनी प्लेस, डिफ्यूज टू एनी प्लेस ऑन द सेल सरफेस। मगर अब यहां हम अभी आज की डेट में जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर स्पेसिफिक डोमेन्स। डोमेन क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये उसका अपर हिस्सा है, ये उसका बेसल हिस्सा है, ये लेटरल हिस्सा है। तो अगर कोई सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल यानी CAM, जिसे हम कैडहेरिंस भी बोलते हैं, तो वो तो हमें यही मिलेंगे ना, इसलिए यही मिलेंगे कि दूसरी सेल भी इधर ही है। और अगर कोई रिसेप्टर है तो वो हमें यही मिलेगा, क्योंकि रिसेप्टर यहीं से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एड्रीन भी यहां पहुंच जाए या रिसेप्टर यहां पहुंच जाए, भाई इसलिए भी जरूरी है, बट नेचुरल है कि जब वहां उसकी जरूरत ही नहीं तो वो क्यों जाए। तो अब हम जो ये फ्री मूवमेंट समझते हैं कि प्रोटीन फ्रीली मूव कर सकता है, वो संभव नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो प्रोटीन्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, दे हैव स्पेसिफिक टास्क, तो वो स्पेसिफिक रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं और वहां से छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते। तो ये जितना है कि उसमें जो मॉडल था उसमें ये अब तक पता लग चुका था कि प्रोटीन का भी मूवमेंट है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रेयर है, लिटरल मूवमेंट है, लेकिन एक और चीज थी कि जो फ्लुइडिटी है वो भी डिपेंड करती है। यानी अभी तो हमने लेटरल मूवमेंट देखा, लेकिन फ्लुइडिटी की क्या डिग्री होगी, यानी हमेशा हमेशा क्या उसी बराबर फ्लुइडिटी सारे सेल मेम्ब्रेन शो करती है? तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। तो फ्लूइडिटी टेम्परेचर के हिसाब से है, जितना कम टेम्परेचर होगा उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। तो अब टेम्परेचर तो है ही है, यानी गर्मी है कि सर्दी है, दूसरे उसका कंपोजिशन है, तो जो मेजर कंपोजिशन है वो कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है सेल की, मेम्ब्रेन की। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे अगर फ्रीज हो जाएगा
तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन बंद हो जाएगा, और भी डिफरेंट जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं, डिफरेंट सेल रिसेप्टर हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कब? जब टेम्परेचर लो होता है। इतनी बढ़ जाती है कि कोलेस्ट्रॉल हर मॉलिक्यूल के बाद एक कोलेस्ट्रॉल लगा रहता है, लिपिड में एक मॉलिक्यूल के बाद एक स्ट्रॉल लगा रहता है, इतनी बढ़ जाती है। ये क्या करता है? आपस में एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन बनाए रखता है और उन्हें कोवेलेंटली अटैच नहीं होने देता है। तो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ योगदान है कि जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और वो फ्लूइडिटी टेम्परेचर के कारण बनी रहेगी, लेकिन जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जो कि फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगा। तो ये थोड़े से मॉडिफिकेशन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि फ्लूइडिटी डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और एक और इसमें है कि अगर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी कम होगी, और अगर वो अनसेचुरेटेड है तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। तो ये आप सोचिए कि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स सर्दियों में भी अपने को गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो मेम्ब्रेन फ्रीज होने लगेगी। इसलिए आप देखते हैं कि जो गाय का देसी घी है वो जम जाता है। सर्दियों में लेकिन तेल नहीं जमता है, सरसों का तेल। क्यों नहीं जमता है तेल? क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं, वो ज्यादातर अनसेचुरेटेड होते हैं, और जो सेचुरेटेड होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं। तो प्लांट्स को लो टेम्परेचर से भी अपने को बचाना है, इसलिए जब लो टेम्परेचर होता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्रीज नहीं होती है, इसीलिए जो तेल वगैरह है वो जमते नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेशन के कारण अगर एक पोलर हेड है, फिर ये जो तेल है एलिफेटिक तेल है, इसमें बल्कि ऐसे बनाएंगे, इसमें एक किंक आ जाता है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा। तो जो बगल वाला सिंपल है, बगल वाला जो सिंपल है उससे ये अटैच नहीं होगा, यानी उसको सटने में, पास पास सटने में ये मदद नहीं करेगा। तो इसी तरीके से अगर बहुत सारे मान लीजिए दो या तीन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस तरीके से जब बहुत सारे बन जाते हैं तो उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है और वो फ्रीज नहीं हो पाते। तो यहाँ क्या है कि फ्लूइडिटी भी डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ द वॉल मेम्ब्रेन एज वेल एज टेम्परेचर, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा योगदान। सो ये तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और लेट्स कम टू द कॉम्पोजिशन। तो हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन्स किसके बने हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है। 2% कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे
बाकी 48% और 50% या 50-40 या थोड़ा सा ज़्यादा कम लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलते हैं। लिपिड्स नंबर वन है इस पर, फॉस्फोलिपिड्स। नंबर टू है ग्लाइकोलिपिड्स एंड नंबर थ्री है स्टीरॉल्स। तो ये तीन जो है लिपिड के मेन कंपोनेंट हैं। इसमें हम फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रल और बहुत सारे एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं, जिसमें कि अगर हम उन्हें नाम देना चाहें जो इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, फॉस्फेटाइडिल, कोलीन, फॉस्फेटाइडिल, इनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडिल, इथेनोलामीन, फॉस्फेटाइडिल, सीरीन एंड स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन का ग्रुप अलग होता है। फॉस्फेटाइडिल, कोलीन, इनोसिटॉल, इथेनोलामीन और सीरीन ये उसके फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन जो बेस है फॉस्फोलिपिड्स का वो क्या बनता है, वो ग्लिसरॉल में बनेगा। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल हम जानते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, जिसमें कि OH लगा रहता है, लेकिन हम यहाँ OH नहीं बना रहे अभी, और यहाँ PO4। यहाँ पर CH2, ये एक पूरी एलिफेटिक की चेन होती है, दो फैटी एसिड्स की चेन होती है जो ग्लिसरॉल से अटैच होते हैं। जो तीसरा इसका OH वाला ग्रुप होता है उससे फॉस्फेट अटैच होता है, और यहाँ पर फॉस्फेट से ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, यानी कोलीन अटैच हो सकता है, सीरीन अटैच हो सकता है, इथेनोलामीन अटैच हो सकता है और इनोसिटॉल अटैच हो सकता है। उसके बाद पूरा का पूरा ग्रुप में एक स्फिंगोसीन लग जाती है। तो स्फिंगोसीन में ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसीन होती है, तो ये डिफरेंस है। दूसरे कि जो ज्यादातर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिससे कि इनका प्रोटीन के साथ इंट्रैक्शन बना रहे, और बहुत सारे न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे इंट्रैक्शन बनाने एसिडिक होने के लिए फॉस्फेटाइडिल, सीरीन, फॉस्फेटाइडिल, सीरीन ये ज्यादा होता है ताकि प्रोटीन से इंट्रैक्शन बना रहे। उसी प्रकार फॉस्फेटाइडिल, इनोसिटॉल ये कम होते हैं, लेकिन इनका इनका जो रोल है सेल सिग्नलिंग में होता है, भले ये कम मात्रा में। ठीक, तो इस प्रकार फॉस्फोलिपिड्स हैं, लगे होते हैं, और अगर इन्हें हम देखें तो ये थोड़ा सा जो दोनों लेयर है, पहले ये माना जाता था कि ये जो है सिमेट्रिकल होती हैं,
यानी दोनों तरफ बराबर होते हैं, लेकिन अब ये एसिमेट्रिकल होती है। तो इसका जो एग्जाम में भी कभी कभी सवाल आता है वो होता है फॉस्फेट आयडिल कोलीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये किधर मिलेंगे? तो ये अपर हाफ में मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ मिलेंगे, मेम्ब्रेन में, अपर हाफ में ज्यादा मिलते हैं। तो ये अक्सर एग्जाम से पूछ लेता है कि अपर हाफ में निम्न में से कौन सा फॉस्फोलिपिड ज्यादा मिलता है। अब हम लिपिड की बात करें तो लिपिड का स्ट्रक्चर पे भी हमने बात नहीं करी थी। तो लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एम्फी पैथिक होता है। एम्फीपैथिक मीन्स अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक रीजन्स। तो जो हेड है जो ग्लिसरॉल का बना हुआ है वो तो हाइड्रोफिलिक रीजन है, और जो टेल बनी हुई है, जो टेल में अगर आप लिपिड्स के कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें तो वो 14 से लेके 18 कार्बन तक होता है, यानी इवन कार्बन की चेन होती है। और इसमें कुछ डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, एक या दो या तीन हो सकते हैं, और कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन जो कार्बन है वो इवन नंबर होता है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो ये सारा एलिफेटिक चेन है, और जो हाइड्रोफिलिक रीजन है ये इसका ग्लिसरॉल वाला हेड है। तो इसे हम इसीलिए जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से हेड बनाते हैं। इसीलिए जब किसी लिपिड को या फैटी एसिड्स को पानी में डाला जाता है तो वो एक गोल संरचना बना लेते हैं, माइसेलिस जिसे बोला जाता है, और उस गोल संरचना में जो वो बना लेंगे उसमें चारों तरफ तो हेड हो जाएगा जो कि पानी से इंटरैक्ट करता है, यानी हाइड्रोफिलिक है, चारों तरफ हेड हो जाएगा और बीच की तरफ उनके हाइड्रोफोबिक रीजन्स हो जाएंगे। अगर आप किसी भी पानी में आप ये अगर एक फैट की बूंद डाल दें, ऑयल की बूंद डाल दें, तो इस तरीके से एक गोल स्ट्रक्चर बना लेगी, चारों तरफ से बिल्कुल सर्किल बना लेगी, जिसको बीच में हाइड्रोफोबिक रीजन है और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक है। ये सिंगल बनता है। तो जब डबल बनता है, डबल लेयर, तो डबल लेयर में इस तरीके से हाइड्रोफोबिक रीजन्स बीच में होते हैं और हाइड्रोफिलिक रीजन्स दोनों तरफ होते हैं। इसमें हो सकता है कि एक साइटोसोलिक पोर्शन हो और एक नॉन साइटोसाइलिक हो। यहां ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन यही प्रकार की मेम्ब्रेन जो रॉबर्टसन ने देखी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये इंटरनल जो सेल ऑर्गेनेल है उसके चारों तरफ भी होती है, लेकिन उनके चारों तरफ वाली में फॉस्फोलिपिड्स की ही ज्यादा मात्रा होती है, बाकी और बहुत सारे प्रोटीन वगैरह ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन नहीं होता है। तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि जिसमें तीनों पोर्शन अच्छे प्रकार से हो रहे हैं, यानी प्रोटीन की भी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो एम्फीपैथिक है तो ये वाला पोर्शन हो गया हाइड्रोफिलिक और ये वाला पोर्शन हो गया हाइड्रोफोबिक। तो इसकी वजह से जो प्रोटीन है वो इसमें
आधा प्रवेश नहीं कर पाता है। अभी हम प्रोटीन की बात करेंगे तो आधा, तो एम्फीपैथिक होने की वजह से ये जब भी सर्कुलर रीजन मतलब लिपिड बाई लेयर का ही बनना जरूरी होता है, और इस एम्फीपैथिक की वजह से जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो जल्दी से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो कर पाता। यानी ये हाइड्रोफिलिक रीजन को जब नीचे आना होगा तो इस हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस करना होगा, तो वो नहीं आता, इसलिए इसमें ट्रांसलोकेटर्स बाद में डिस्कवर किए गए कि ट्रांसलोकेटर्स होते हैं जो इन्हें ऊपर से नीचे ले जाते हैं। वो कब ले जाते हैं? जब ये बन रही होती है। भाई मान लीजिए लिपिड लेयर बन रही है, लिपिड लेयर बनी बनाई तो है नहीं, तो जब ये बन रही है तब फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो ट्रांसलोकेटर्स हैं, वो बाहर रहने वाले लिपिड्स को बाहर ले जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कोलीन है, और अंदर वालों को अंदर ही रखते हैं। तो लिपिड्स हो गए, लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड हो गए, फॉस्फोलिपिड के बाद अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स में करीब करीब 2 से 5% ही ग्लाइकोलिपिड्स होता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कभी फ्री अवस्था में नहीं मिलता है कि केवल कार्बोहाइड्रेट, वो हमेशा किसी न किसी से कॉन्जुगेटेड अवस्था में मिलेगा। चाहे तो वो लिपिड से हो तो ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा, और चाहे वो प्रोटीन से हो तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं। इनके बारे में एक खास बात है कि ये हमेशा कहाँ मिलेंगे? नॉन साइटो प्लाज्मिक साइट पर, यानी अगर कोई मेम्ब्रेन है जिसका हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो अगर ये साइटोसोलिक साइड है तो जो ग्लाइकोसिन्स के यूनिट हैं जो इससे अटैच होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। तो ग्लाइकोलिपिड्स के दो जो इंपॉर्टेंट हैं वो बनते हैं, वो क्या है, जो दो ग्रुप हैं वो है, एक है गैंग्लियोसाइट्स, एक है गैंग्लियोसाइट्स, दूसरा है गैंग्लियो सेरिब्रो साइट्स। तो ये गैंग्लियोसाइट्स क्या है? ये फैटी एसिड में जो इसका फैटी एसिड है उस पे ये अटैच हो जाते हैं, तो इसलिए एक साथ कोवेलेंटली अटैच होते हैं। तो कोवेलेंटली अटैच होने के बाद एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लाइको और लिपिड्स। जो गैंग्लियोसाइट्स हैं ये क्या बनाते हैं? ये एक ओलिगो सैकराइड्स होते हैं जिसमें कि एक या दो सियालिक एसिड रेसिड्यू होता है जिसे हम एन न्यूरैमिनिक एसिड बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि नर्व सेल्स में बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि नर्व सेल्स में बहुत ज्यादा मिलता है। और नर्व सेल्स में भी किसमें मिलेगा? माइलिन शीट है जिसका मेजर काम जो है सेल सिग्नलिंग है, और जो चार्ज है चार्ज सेपरेशन को आगे मेंटेन रखना और बढ़ाना है। ग्लाइकोलिपिड्स जो गैंग्लियोसाइड है या गैंग्लियोसेरेब्रोसाइड है, इसका जो मेजर काम है वो क्या है?
सियालिक एसिड तो है नर्व सेल्स में होगा, लेकिन जो मेजर काम है वो सेल रिकॉग्निशन। अगर बाहर से कोई कंपाउंड आ रहा है कोई, तो उसे रिसीव करेंगे और उसे पहचाने। तो जैसे एंटीबॉडी भी आ रहा है या कोई और स्टिमुलस हार्मोन का आ रहा है, तो वो कैसे पहचाना जाएगा? इन्हीं के द्वारा पहचाना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एक गैंग्लियोसाइड है और जो कि इंटेस्टाइनल वॉल में है, तो अगर टॉक्सिन आएगा तो ये क्या डायरिया कैसे होता है कि वो इन गैंग्लियोसाइट्स पे अटैक करता है टॉक्सिन, और जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन शुरू कर देते हैं, तो डायरिया हो जाता है। तो डायरिया में आयन का एक्सक्रीशन होगा, वो क्या होगा? सोडियम आयन। तो इसलिए साल्ट की कमी हो जाती है डायरिया में, और सोडियम आयन कंसंट्रेशन होने की वजह से वाटर का कंटेंट स्टूल में बढ़ जाता है। फिर जो स्टीरॉल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है ज्यादातर, और उसका काम मैंने भी आपको पहले बताया कि वो अटैच एडजेसेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट अटैचमेंट को मेंटेन रखता है। अब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अलग बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेटेड अवस्था में ही मिलता है। तो अभी लिपिड में हमने बात करी ग्लाइकोलिपिड्स की, इसी तरीके से हम ग्लाइकोप्रोटीन की भी बात करेंगे। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो हमें जो मेजॉरिटी में मिलती है वो क्या होती है कि ऐसी प्रोटीन होती है जो किसी भी मेम्ब्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करती है। तो कैसी हो गई? ट्रांस मेम्ब्रेनल हो गई। तो वो कैसे क्रॉस करेगी? अगर उसका एक हिस्सा होगा जो इस पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और फिर दूसरा हिस्सा साइटोसॉल की तरफ और दूसरा हिस्सा नॉन साइटोसॉल की तरफ होगा। अब यहाँ एक स्ट्रक्चर हमने बनाया कि जो प्रोटीन है उसने एक बार इसे पास किया है, तो ये कैसी हो गई? सिंगल पास प्रोटीन। सिंगल पास प्रोटीन है, जैसे कि ग्लाइको फोरिन। इसी तरह और क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हिस्से हो जाते हैं प्रोटीन के जो कई बार पास करते हैं मेम्ब्रेन को पूरा पूरा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा प्रोटीन नहीं होता जो मेम्ब्रेन को आधा बार पास करे। तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ एक प्रोटीन है, उसका एक हिस्सा पास कर रहा है, फिर एक हिस्सा इधर चला गया, फिर एक हिस्सा इधर आया, फिर एक हिस्सा इधर गया, फिर
फिर एक हिस्सा इधर आ गया, फिर इधर रहे, वो अटैच है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ये मल्टी पास सिस्टम है। मल्टी पास जैसे बैक्टीरियो रोडोप्सिन, तो बैक्टीरियो रोडोप्सिन है वो मल्टी पास है और उसमें 7 बार जो है प्रोटीन का जो चेन है वो क्रॉस करती है। अच्छा, प्रोटीन चेन 2 रूप में क्रॉस कर सकती है, या तो वो अल्फा चेन हो या वो बीटा शीट्स हो। ये आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा प्रोटीन में कि अल्फा चेन्स होती हैं। तो अल्फा चेन के लिए 20 से 30 एमिनो एसिड लॉन्ग स्ट्रेच की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर बीटा शीट है तो उसके लिए 10 एमिनो एसिड लंबाई की ही जरूरत पड़ेगी, 10 एमिनो एसिड लंबाई की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये भी है कि ये जो मल्टीपास प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन है, इसमें कुछ रीजन हाइड्रोफोबिक होने चाहिए। कुछ रीजन हाइड्रोफोबिक होनी चाहिए, तो जिसे हम एक हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है, यानी अगर हम एक चार्ज सेपरेशन का, मान लीजिए इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, और इनके एमिनो एसिड्स का एक प्लॉट बनाएं, तो जो प्लस चार्ज होगा वो एक पीक बनाएगा, तो जितना पीक बनाएगा उतनी बार वो इसे क्रॉस कर रहा है। तो मान लीजिए ग्लाइकोफोरिन है तो एक पीक बनाया उसने, लेकिन अगर बैक्टीरियो रोडोप्सिन है तो वो सात बार पीक बनाएगा। तो ये जो हाइड्रोपैथी की प्लॉटिंग है, इनको हम जो प्लॉट करते हैं, इसकी पीक को देख के हमें पता लग जाता है कि ये कितनी बार पास हो रहे हैं। जो दूसरा मेन दूसरा टाइप है वो क्या है कि कोवेलेंटली बॉन्ड अटैच्ड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। अब इसमें दो होते हैं, कोवेलेंटली अटैच्ड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन कहां के, आउटसाइड वाले, यानी हो सकता है कि कोई प्रोटीन हो वो सिर्फ बाहर की तरफ अटैच हो, तो बाहर की तरफ अटैच हो सकता है किसी भी अल्फा हेलिक्स के थ्रू, या किसी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जिसे प्रेनाइल ग्रुप बोलते हैं। प्रेनाइल ग्रुप है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, प्रेनाइल ग्रुप के थ्रू। दूसरा कि यही प्रोटीन कोवेलेंटली अंदर की तरफ भी अटैच होते हैं, तो अंदर की तरफ जब अटैच होंगे तो ये केवल अंदर ही पाए जाएंगे और यहां पर कोवेलेंटली अटैच होंगे। तो यानी तीसरा टाइप भी यही हो गया, इसमें कोवेलेंटली आउटसाइड है, इसमें हो जाएगा कोवेलेंटली नॉट इनसाइड। चौथा एक और होता है कि जिसमें वो यहां पर ग्लूकोज चेन यानी ग्लाइकोसिन चेन के थ्रू अटैच होता है, यानी ये चेन पहले अटैच हुई है इससे और फिर इससे एक प्रोटीन अटैच हुआ है, तो इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। नॉन कोवेलेंटली अटैच है, पेरिफेरल है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 ये
आसानी से वॉश आउट नहीं होते, तो ये क्या कहलाते हैं? तीनों इंटीग्रल प्रोटीन, यानी हम डिटर्जेंट डालेंगे तो ये मेम्ब्रेन से जल्दी निकलेंगे ना, लेकिन डिटर्जेंट डालेंगे तो पेरिफेरल निकल जाएगा। तो इंटीग्रल प्रोटीन होता है और पेरिफेरल प्रोटीन होता है, या नॉन इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। ये चार तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ये चार तरीके के प्रोटीन हैं। लेकिन अब ये बात यहां फिर से एक सोचने की है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो सेड प्रोटीन है ये ट्रांस मेम्ब्रेनल है, इंटीग्रल है कि पेरिफेरल है, समझ रहे हैं? तो कैसे होगा? हाइड्रोपैथी से तो हमने जान लिया पीक से कि ट्रांस मेम्ब्रेनल है, लेकिन कुछ तरीका है इन्हें पकड़ने का, इन्हें जानने का, कि अगर हम इसमें रेडियो एक्टिव रिएजेंट डालें, ऐड करें, किसमें ऐड करें, मान लीजिए रीसील्ड घोस्ट है, तो इसमें हमें क्या होगा कि जो भी रिएजेंट अटैच होगा, जो अटैक करेगा, वो मेम्ब्रेन के बाहर वाले की तरफ अटैक करेगा, और अगर इनसाइड आउट है तो वो चूंकि इनसाइड आउट हो गया है इसलिए करेगा तो बाहर ही, लेकिन वो अंदर वाले पोर्शन, यानी अगर एक प्रोटीन इस तरीके से है और वो इसको पास करके अंदर भी ऐसे ऐसे चली गई है, तो एक कंडीशन में रिसील घोष में वो जो रिएजेंट है वो यहाँ अटैच हो जाएगा बाहर वाले की तरफ, और यहाँ भी रिएजेंट चूंकि पलट गया है तो रिएजेंट बाहर वाले की तरफ अटैच हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं कि सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट से ट्रीट करके किसमें देखते हैं, पॉली एक्रिल एमाइड, पॉली एक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, SDS पेज। पॉलीएक्रिलामाइड जेल, इस विधि से, यानी इस मैकेनिज्म से हम इन प्रोटीन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा पोर्शन, अगर कोई प्रोटीन है जो एक तरफ यानी पार्शियली रिएजेंट से, रेडियो एक्टिव रिएजेंट से अटैच हो रही है, तो हम ये मान लेंगे कि वो ट्रांस मेम्ब्रेनल प्रोटीन है। अगर वो पूरी की पूरी प्रोटीन रेडियो एक्टिव रिएजेंट से ट्रीट हो रही है तो इसका मतलब वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, वो बाहर की तरफ है तो नॉन साइटोसोलिक है, और अगर अंदर की तरफ है यानी रीसील्ड घोस्ट इनसाइड आउट पर है तो साइटोसोलिक प्रोटीन है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इन सारे प्रोटीन्स को हम प्रोटीएज से, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कर दें। तो प्रोटीएज एंजाइम से जब ट्रीट करेंगे तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स मिलेंगे हमें। तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी ये शो करेंगे कि जो पोर्शन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोफोबिक रीजन में सुरक्षित था। तो ये भी हमें पता चल जाता है कि वो ट्रांस मेम्ब्रेनल प्रोटीन है कि नहीं है। तीसरा है कि अगर हम उनमें एंटीबॉडी से रिएक्ट कराएं, तो एंटीबॉडी रिएक्शन भी जब बताएगी कि कितना कहाँ से हमने इसमें अटैच किया है और कितना पोर्शन अटैच नहीं है, तो वो भी यही शो करता है कि ट्रांस मेम्ब्रेनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोजाइलेशन एक और चीज है, यानी एडिशन ऑफ ग्लूकोज चेन टू द प्रोटीन।
वहां यहां ये ध्यान देना चाहिए कि ग्लाइकोलिपिड्स में जो ग्लाइकोजाइलेशन है वो हमेशा नॉन साइटोसोलिक फेस पर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहां पर एक राइबोसोम अटैच है और उसने एक नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर डाली, तो पेप्टाइड चेन जब यहां आती है तभी उस पर कोई ग्लूकोज की चेन अटैच होती है। इसी प्रकार जब वो अंदर पहुंचती है तभी उसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है, क्योंकि जो साइटोसोलिक रीजन है ये बाहर का रीजन है, यानी एंडोप्लाज्मिक का ल्यूमेन है, जो बाहर का रीजन है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। तो रिड्यूस्ड में हमेशा थायो ग्रुप हमें मिलेगा, हम दो सल्फर के बीच में बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। यानी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ही बनता है, या फिर अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई है तो उसका जो बाहर वाला नॉन साइटोसोलिक रीजन है उस पर ही, उसी जगह पर ग्लाइकोजाइलेशन होगा और बॉन्डिंग होगी। तो प्रोटीन में अगर यहां पर कोई प्रोटीन है तो वो प्रोटीन ही इस समय संभव है कि उसमें कोई सैकराइड की, ओलिगोसैकराइड की कोई चेन अटैच हो जाए। तो मेरे ख्याल से प्रोटीन प्रेजेंट एज ए एंजाइम एज वेल एज ए पंप्स एलवेज एज वेल एज ए कैरियर प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट करते हो, और एज वेल एज ए रिकॉग्निशन साइट या रिसेप्टर साइट। तो प्रोटीन इन सारी चीज के रूप में इन सभी काम को करने के लिए इसमें रैंडमली अरेंज होता है, और चार तरीके का मैंने बता दिया कि बाहर भी होगा, अंदर भी होगा, पूरे ट्रांसमेम्ब्रेन भी होगा, और एक ऐसा भी होगा जो इजीली वॉश आउट हो जाए। लिपिड भी आपने देखा कि फॉस्फोलिपिड्स मेजॉरिटी में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बहुत कम होते हैं, और स्ट्रॉल्स में कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल होता है। तो ये इनका कंपोजिशन है जो आज आपने पढ़ा है, और इनका जो फंक्शन है जिसमें कि सेल एडहेशन है, सेल रिकॉग्निशन है, सेल सिग्नलिंग है, सेल सॉर्टिंग है जिसमें हम प्रोटीन सॉर्टिंग वगैरह करते हैं, या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन है जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये सारे के सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के अंदर आती है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी हम जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसको भी टेकअप करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू।